दीपावली दुबई में कैसे मनाई जाती है और यहाँ का नज़ारा कैसा होता है? वैसे तो आपने देखा है कि यहाँ बहुत ज़्यादा जगमगाती चमकती हुई शाम रात यहाँ पे होती है, और वो जो आप सामने देख रहे हैं वो है बुर्ज मान मॉल, फेमस मॉल है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के दिन आपका नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ, और आज का ब्लॉग है पूरी तरह से दिवाली पे। आज के दिन दिवाली की जगमगाहट आप देख सकते हो, और यहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं। काफ़ी सुहानी शाम है, मौसम अच्छा है। तो गाइस, लाइन से ये सारे डोमिनोज और एक्स वाई जेड सजावट हुआ है। तो मैं जा रहा हूँ करामा, और ये करामा पूरे इंडियंस लोग रहते हैं, और यहाँ इंडियन रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं। तो यहाँ की सबसे खूबसूरत दिवाली वैसे तो बर दुबई में होती है, लेकिन बर दुबई नहीं, इस वक्त मैं करामा में हूँ। सेकंड करामा भी बहुत खूबसूरत जगह, एज यू कैन सी दैट लॉट्स ऑफ बिल्डिंग में सजावट है, ये देखिए। तो ये यहाँ पर इंडियंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो लेट्स गो इनसाइड। ये एरिया जो है ना, इधर हम जा रहे हैं सामने रोड के उस तरफ, वहाँ लाइन से बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो आज जो है ना गाइस, आज पूरा देखेंगे ये करामा स्ट्रीट को, यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, कुछ स्वीट्स वगैरह खाएंगे, कुछ थोड़ा एंजॉय करेंगे आज। तो टाइम बज रहा है 8:40। ये सामने सेंटर पॉइंट है, और इसके ऊपर देख रहे हैं जितनी भी लाइटिंग है वो सारे दिवाली की लाइटिंग लोगों ने सजा रखी। पिज़्ज़ा हट। सो ये लाइन जो है ना, ये स्ट्रीट पूरी तरह से इंडियन शॉप है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शॉप्स मिलेंगे लाइन से, और दिवाली की ऑलरेडी सजावट हो रखा है। ये रसोई घर रेस्टोरेंट है, ये बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, मतलब अच्छा रेस्टोरेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वेजिटेरियन रेस्टोरेंट तो है ही है, साथ साथ में इसके यहाँ पर आपको बुफे टाइप का ऑप्शन मिलता है। गाइस, बिरयानी वाला प्राइड ऑफ हैदराबाद। तो भाई, हैदराबादी रेस्टोरेंट यहाँ पर आपको हर जगह लगभग मिल जाएंगे। लेट्स गो स्ट्रेट। अभी आगे बहुत सारे दुकान हैं यहाँ पे, स्पेशली वेजिटेरियन ऑप्शन है यहाँ पे। एक रेस्टोरेंट मेरा बहुत फेवरेट है, पसंदीदा है, वहाँ भी जाएंगे, बीकानेर वाली स्ट्रीट पे भी जाएंगे। जो लाइन जा रही है मेट्रो आगे से जो है ऊपर की तरफ, ये इधर से अंडरग्राउंड होता है, उधर से ऊपर की तरफ चला जाता है। सो ये सामने होटल है, ये है आपका रेड लाइन, और सामने स्पिनिश दिख रहा है, स्पिनिश काफ़ी फेमस है, तो किसी दिन वहाँ भी जाके देखो। सो गाइस, दुबई की शाम वैसे भी खूबसूरत होती है, और आज का दिन है 11 नवंबर, और आज दिवाली का दिन है, तो आज जगमगाती हुई दुबई आपको दिखेगी। और ये एरिया इंडियंस ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इंडियंस ज़्यादा होने की वजह से ये एरिया ज़्यादा खूबसूरत है। सो मेट्रो आप देख सकते हैं मेट्रो जाते हुए। सो फिलहाल ये अल आदिल है, और अल आदिल सुपर मार्केट जो ये है, ये प्रॉपर इंडियन सामान यहाँ मिल जाता है। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं लाइन से यहाँ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, पढ़ सकते हैं इंडियन चाइनीज़ तंदूर पराठा सैंडविच चाट डोसा मॉकटेल सारे चीज़, ठीक है। सो फिलहाल आपको बताऊं, ये सारे जो रेस्टोरेंट हैं ऑलमोस्ट सारे इंडियन हैं, वेजिटेरियन ऑप्शन यहाँ बहुत अच्छे हैं। मुझे 56 वो बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट के लिए। आप देख सकते हैं पब्लिक काफ़ी है, भीड़ भाड़ यहाँ पर दिख रहा है। तो गाइस, आप 56 लोग रेस्टोरेंट देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अमृतसर देख सकते हैं, यहाँ पे अमृतसर द महाराजा ऑफ इंडियन कुजीन, सो इंडियन कुजीन का महाराजा आपने हमें बता रहा, और ऑब्वियसली है भी, बहुत टेस्टी यहाँ पे फूड है। सो लेट्स गो, और भी आगे एक्सप्लोर करते हैं। और आज की ये जो रेस्टोरेंट है पूर्णा मन, ये स्वीट बेसिकली यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे स्वीट्स मिलते हैं। कुलचा किंग, तो ये पूरी स्ट्रीट जो है ना लाइन से, ये रेस्टोरेंट है वो इंडियन है, बर्गर किंग एंड बास्किन रोबिन भी है इन बिटवीन इसके दरमियान, लेकिन वो सामने वाला जो दिख रहा है पंजाब, और ये वेज रेस्टोरेंट है। तो गाइज, अभी हम लोग उस स्ट्रीट में जाएंगे जहाँ पे इंडियन दिवाली यानी इंडियन लोग हैं, और दिवाली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो लेट्स गो, अभी कुछ खा। तो भाई, अभी मैं यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है, थोड़ी सी पसीना हो रहा है क्योंकि मैं बहुत देर से वॉक कर रहा हूँ। और यहाँ देखिए आप, कितने खूबसूरत ढंग से इन्होंने दिवाली की सजा रखी है, पब्लिक यहाँ पे खा रहे हैं, तो ये सारी सजावटें हैं। अगर बचपन का टाइम याद आ जाता है, जिस वक्त दिवाली की इंतज़ार करते थे हम लोग, स्पेशली क्रैकर्स की वजह से। तो चलिए, मैं उस स्ट्रीट में भी दुबई में ले चलता हूँ जहाँ क्रैकर्स बहुत ज़्यादा लोग सेलिब्रेट करते हैं क्रैकर्स के साथ। तो लेट्स गो देयर। दिवाली की पूरी जहाँ जहाँ लोग यहाँ रहते हैं, मतलब इंडियंस, वो सारे लोगों ने सजा रखा है क्या ये खूबसूरत ढंग से। और ये पूरी जो एरिया है, ये मोस्ट ऑफ देम इंडियंस ही रहते हैं यहाँ पे। सो फिलहाल मैं जा रहा हूँ
बीकानेर वाला, बीकानेर वाला। और ये आप देख सकते हैं, ये रहा स्वीट्स, क्या जबरदस्त स्वीट है, ये रहा गुजिया। तो भाई साहब आज कुछ तो खाएंगे। ये रहा पूरा रावत वाला डब्बा, गिफ्ट पैक क्या है, खूबसूरत खूबसूरत गिफ्ट पैक है। तो ये गिफ्ट पैक के प्राइसेस लगे हुए हैं भाई देवे, तो आप देख सकते हैं 370 क्या है, 370 दिरहम। एंड ये कितने का है, ये 250 का है। ये प्राइसेस ऐसे, ये तो ऑब्वियसली बहुत महंगा होना चाहिए, तो ये 395 है। तो ये सारे गिफ्ट पैक्स वगैरह दिवाली में लोगों को गिफ्ट करने के लिए। सो गाइस, इतनी भीड़ थी कि वहाँ पे मैं नहीं रुक सका, मतलब आई मीन वहाँ खाना खाने का ऑप्शन भी नहीं था, डाइनिंग ऑप्शन ऑलरेडी बंद था। जस्ट ओनली वहाँ पे आप पार्सल ले सकते थे या फिर आप, तो मेरा बैठ के खाने का ही इरादा था, तो मैंने कहा चलो चलते हैं गाइस। सो बस आज के ब्लॉग में बस क्या था कि मेरा दिल था करामा को घूमूं, इंजॉय करूं, लेकिन कहीं कुछ रुकता हूं, खाना खाता हूं, देखता हूं, मेरा एक पसंदीदा रेस्टोरेंट है उसी में जाता हूं। तो गाइस आज के दिन मेरी एक छोटी सी कोशिश थी कि एक दुबई की एक ब्लॉग बनाऊं और जिसमें दिखाऊं कि यहां दिवाली सेलिब्रेट होता है और ठीक ठाक लोग करते हैं, और यहाँ पर इंडियन कम्युनिटी यानी हम लोग जो रहते हैं यहाँ पर हम लोग इंजॉय करते हैं। आई मीन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में आप हो तो दिवाली सेलिब्रेट अच्छे से करते, इवन यहाँ बहुत अच्छे से करते हैं। जो मैं अभी शॉप दिखाया वो बीकानेर वाला शॉप था, और वहाँ से इंडियन स्वीट्स यानी कि इंडियन शॉप ही, आप पता है बीकानेर वाले के बारे में, तो वहाँ से लोग ख़रीदते हैं और अपने अपनों को मतलब गिफ्ट वगैरह करते हैं। तो खैर यही सारी चीज़ें थी वहाँ पर, मैंने सोचा कुछ खाऊँगा लेकिन वो वाला ऑप्शन आज बंद था। सो लेट्स गो बैक टू वन ऑफ मेरा पसंदीदा दूसरा एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ कुछ खाएंगे। तो वैसे ये छोटे छोटे स्टॉल्स देख सकते हैं, मुंबई का बहुत सारे। सो गाइज एक तो वेदर बहुत अच्छा है, ऊपर से हवा बहुत अच्छा चल रहा है, शायद थोड़ी साउंड में प्रॉब्लम है, तो आई एम सो सॉरी फॉर डैट। एंड इस वक्त तकरीबन 9 से भी ज़्यादा हो गया है, आई मीन मैं आपको दिखाता हूँ टाइम जो है 21:11, यानी 9:15 हो गया है। सो अभी वापस जिस तरफ से मैं इधर आया था, मैंने सोचा था कि बीकानेर वाले में कुछ खाऊँगा, तो फिर वहीं वापस जा रहा हूँ। अभी थोड़ा देर पहले आपको पंजाब रेस्टोरेंट दिखाया था, सो लेट्स गो। रसोई घर की बात आपको बताया था, तो रसोई घर तो खैर बहुत मज़ा आ जाएगा, इट्स नेक्स्ट टू ऑसम, ऑसम से भी ज़्यादा अच्छा है। बट आप देख सकते हैं क्राउड कितने ज़्यादा, पब्लिक ठीक है, तो इतनी पब्लिक में, तो रसोई घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है अगर मैं जाता तो, भीड़ थी, वेटिंग टाइम ज़्यादा था। आज बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि वो प्योर वेज है एंड बुफे टाइप का सिस्टम है, उसमें क्या है कि आप एक टाइम 50 दिरहम दीजिए और अनलिमिटेड खाइए। आपको वहाँ पे बुफे मतलब यानी कि आपको ला के वो खुद ही देंगे, सर्विस ऑप्शन है। तो मैं एक उस पर डेडिकेटेड ब्लॉग बनाऊँगा, बट नॉट फॉर नाउ, टुडे पॉसिबल नहीं है क्योंकि आज इतनी अच्छी खासी भीड़ भाड़ है, तो अगर गया तो फंस जाऊँगा, इंतज़ार बहुत करना पड़ेगा, एंड भूख तो तेज़ लगी तो इंतज़ार कर नहीं सकता हूँ गाइस। तो चलिए वहीं चलते हैं जहाँ पर टाइम नहीं लगे। जो है ना वो इस तरफ होता है स्पिनीस के जस्ट पीछे, और शायद आपको बीच में कहीं दिखा भी दूं, लेकिन उस तरफ अभी जाने का कोई इरादा नहीं है, बिकॉज उस तरफ जाने का मतलब है कि रोड क्रॉस करके जाना पड़ेगा, कुछ वॉकिंग डिस्टेंस 10-15 मिनट्स का भूख लगा है, और फिर वापस जाना आना वो टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा, सो लेट्स नॉट गो देयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे को जो है ना वो अमृतसरी कुलचा जो रेस्टोरेंट है उसमें भीड़ ना मिले, क्योंकि आज तक मैं कभी दिवाली वाले दिन इधर आके खाना खाया नहीं है। नॉर्मली मैंने कैफेटेरिया वगैरह आया हूँ या स्वीट शॉप आया हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं इस टाइम पे डिनर करने आ रहा हूँ। सो मुझे पता नहीं है कि जैसे कि बीकानेर में आपको आपने देखा था क्या वैसे ही भीड़ मिलेगा, लेट्स सी। अमृतसर ओपन 24/7, सो इसमें फ़िलहाल जा रहा हूँ, लेट्स गो इनसाइड। आ गया अभी फ़िलहाल अमृतसर कुलचा, ये वाइब है भाई, मिल जाएगा कोई अभी टेबल
इंतज़ार करना, वेटिंग है, लेकिन यहाँ मिल गया सीट, लेट्स गो। तो बस फिलहाल तो मिल गया, एक्सपेक्ट ऊपर तो बिल्कुल नहीं खाली था, तो नीचे ही इन्होंने दिया। यहाँ का ठीक ठाक भीड़ यहाँ भी है, लेकिन चलिए ऑर्डर देते हैं। ये अमृतसरी रेस्टोरेंट का, इसमें पहले देख लीजिए द महाराजा ऑफ इंडियन कुजीन, और ये है सो काफ़ी इम्प्रेसिव है इसका मेन्यू। बट इसमें हम क्या खाने वाले हैं, तो ब्रेकफास्ट है तो पहले चलिए देख। अभी फ़िलहाल आप देख रहे हैं प्याज विनेगर के साथ है, और ये हरी चटनी है, और फिलहाल मैंने ऑर्डर किया है जो थाली है और केसर थाली, काफ़ी डिफरेंट है, मैं फर्स्ट टाइम ऑर्डर किया, ऐसे आता है 10 मिनट के अंदर टाइम बोला गया है, सो वेट करते हैं। ये आ गए, सो ये है पनीर का कुछ आइटम लग रहा, दाल है, और ये भी पनीर है, ये क्या है बस डिवन एंड देवानंद है, और ये रोटी अपनी है, ठीक है। हाउ इज फूड सर? वेरी नाइस, इट्स वन मेरा सेकंड थर्ड टाइम एक्सपीरियंस है। और ये जो आप मैं खा रहा हूँ ये क्या चीज़ है? हाँ जी, ये जो खा रहा हूँ ये क्या है? ये दीवानी आंटी है सर, केसर की थाली है, और ये जो है ये पनीर है। हाँ जी, ये पनीर है, ये दाल तड़का और रायता है, रायता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो गाइस मैंने बुक तो कर दिया था ये थाली, बट ये ठीक ठाक क्वांटिटी है, देखने में आपको शायद उतना नहीं लग रहा होगा। तो एक दो तीन चार आइटम है, चावल है, पापड़ हो गया, ये रोटी हो गई, कोक मैंने अलग से मंगाया एडिशनल, पानी भी एडिशनल है, तो ये सारी चीज़ मुझे ख़त्म करना है। मुझे पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेट्स सी। रोटी तो ख़त्म हो गया, ये सारे ख़त्म हो गए, अब चावल की बारी है, चलिए इसको भी ख़त्म करते हैं खाते हैं, और इसके बाद आपको रिव्यू दे। भाई ये मेरा खलास हो गया, बहुत मज़ा आया, आपको दिख रहा हूँ ये थाली हो गया एंड, और ये थम्स अप बाकी है, पानी बाकी है। बारी है रिव्यू देने की, तो बहुत मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त थी, और अभी थम्स अप बाकी है तो वो पी रहा हूँ। थाली अच्छी थी, टेस्टी थी, ये थाली ख़त्म, और अपनी बारी है खाने की यहाँ से। थैंक यू भाई, ये भाई ने बिल कर लिया, थैंक यू, प्लस अपनी खा लिए, और हम निकलते हैं अभी, गुड बाय टाटा रेस्टोरेंट को। और मज़ा आ गया आज जो खाया, वो केसर थाली था, और उसमें तीन चार तरह के अलग अलग चीज़ थे, पनीर की भी सब्जी थी। तो अगर ओवरऑल मेरी एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ तो बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी था थाली, मैंने बहुत बार खाया, 56 भोग में भी खाया ये वाली रेस्टोरेंट में, लेकिन ये 56 भोग है देख सकते हैं, लेकिन जो बात मैंने आज अमृतसरी पंजाब रेस्टोरेंट में खाया और जो फील आया, दैट इज़ एंटायरली डिफरेंट। तो दिवाली आज जो दिवाली की रात है, जो चहल पहल है, जो मज़ा है, आज मेरी छुट्टी थी, सैटरडे का दिन था, ऑफ था, तो मज़ा आ गया गाइस। और मैंने आपको ये एक नज़ारा दुबई का एक माहौल दिखाया दिवाली के दिन कैसा होता है। कल संडे को दिन भी बहुत लोगों की छुट्टी रहेगी, मेरी छुट्टी आज ख़त्म हो गई, सो लेट्स गो बैक टू होम। यही आज के दिन का ब्लॉग था, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और बी सेफ स्ट्रॉन्ग। और गाइस और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊंगा, फिलहाल मेरी प्लानिंग्स है कुछ और अच्छे अच्छे ब्लॉग दुबई की अच्छी अच्छी जगह एक्सप्लोर करने का। आज मैं कुछ प्लान किया था और भी जगह जाने का, बट इट्स नॉट ईजी इतना ज़्यादा ट्रैवल करना आज के दिन। सो बस यही था ब्लॉग, और लंबा ब्लॉग नहीं खींचते हैं, बस यहाँ पे करते हैं एंड। आज के दिन बहुत मज़ा आया, अच्छी से दिवाली के आज जो आसपास के माहौल था, करामा आपको मैंने दिखाया, रेस्टोरेंट दिखाया, बीकानेर वाला दिखाया, और ख़ास तौर से अमृतसरी रेस्टोरेंट में जो मैंने खाया है वो बहुत ही मज़ा आया। मैंने बहुत बार थाली खाया है, लेकिन ये थाली कुछ अलग था, इसके टेस्ट बहुत ही डिफरेंट है, मज़ा आ गया। और बस अब निकलने का टाइम हो गया, ब्लॉग को यहाँ करता हूँ एंड, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले वक्त में बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दुबई के एक्सप्लोर करूँगा एंड यू विल बी इन्जॉय। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कीप सब्सक्राइबिंग दोज हु आर सब्सक्राइब, एंड जो नहीं गया है अगेन कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। तो बुर्ज मान स्टेशन आगे है, बुर्ज मान स्टेशन निकलेंगे।